योनेक्स मसल पावर 29 लाइट, ठीक है। ये जो इसका पैकिंग है वो सिमिलर, मतलब हमेशा जैसे रैकेट्स के रहते हैं ना, एक पुट्ठे से कवर करके आता है। योनेक्स का ZR100 इसके पहले मैंने लिया था, तो उसमें आप जाके देखिए पैकिंग कैसा है। टाइम बचाने के लिए मैंने वो सब ठीक है। तो ये है, ये जो रैकेट था, ये रैकेट का एक लंबा प्लास्टिक स्लीव था कवर किया हुआ, ठीक है। बहुत ही बढ़िया रैकेट है। ट्रस्टेड सेलर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से परचेस कीजिए। एक बात बता दूँ मैं आपको, जो परचेस लिंक है उसके टाइटल पे आप देखेंगे योनेक्स मसल पावर 29 विद फुल कवर, उसके डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो योनेक्स मसल पावर 29 लाइट का इमेज दिया हुआ है। ये योनेक्स मसल पावर 29 सिर्फ योनेक्स मसल पावर 29 नहीं है, ये है योनेक्स मसल पावर 29 लाइट। अगर आप रैकेट के साथ साथ दूसरे गियर्स भी खरीदना चाहते हैं, जैसे कि बैडमिंटन का गम सोल शूज़, तो लीनिंग का अटैक 2 एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, उसका मैंने रिव्यू किया है, उसका लिंक जो है ऊपर दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके उसको देखिए। साथ में आपको शायद किट बैग की भी ज़रूरत होगी, तो प्रो किक का लीनिंग का किट बैग आते हैं। अभी क्योंकि मैं और मेरा डॉटर दोनों भी बैडमिंटन खेलते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक क्रिकेट बैग लिया है, उसके अंदर क्योंकि टोटल मेरे दो, एक गमसोल शूज़ का पेयर, उसका एक गमसोल शूज़ का पेयर, उसका ग्राउंड वर्क रहता है, तो उसका ग्राउंड शूज़ का ग्राउंड, एक योगा मैट, दो रैकेट्स, वाटर बॉटल्स, ये सब के सब जो जो आपका बैडमिंटन किट है उसमें ये सब दो जन का फिट नहीं होगा। तो क्योंकि हम दोनों एक साथ ही जाते हैं, तो एक क्रिकेट किट बैग में ये सब डाल के लेके जाते हैं, ठीक है। तो आप वो सब भी डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं, लिंक में भी दिया हुआ है, वो भी चेक कर सकते हैं, ओके। योनेक्स ZR100 इसके पहले जो रिव्यू किया था वो दैट वाज ओनली फॉर बिगिनर्स, जिनका लगभग स्टार्टिंग कर रहे हैं आज से, उनके लिए ठीक था। उसके बाद मैंने उसमें भी कहा था कि एक बार हाथ में मोमेंटम आ गया, टाइमिंग आ गया, तो कुछ काम का नहीं है, वो हैवी रैकेट है। ये योनेक्स मसल पावर 29 लाइट, ठीक है। ये इनबिल्ट टी जॉइंट के साथ है। इस कैप के ऊपर डिटेल्स लिखा है 24 LBS का, ठीक है। लेकिन 22 परफेक्ट है इसके लिए, ठीक है। आप 23 तक इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे इसका लोगो दिया हुआ है, ठीक है। ये पूरा इंपोर्ट है, आइसोमेट्रिक शेप है, बिगर स्वीट स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे जो स्वीट स्पॉट है बड़ा है, ज़्यादा टेंशन देंगे जो कौन लोग यूज़ करेंगे, ये फ्रॉम बिगिनर टू इंटरमीडिएट। ये इतना अच्छा रैकेट है, इतना पॉपुलर रैकेट है कि जो लोग इंटरमीडिएट क्रॉस करके थोड़ा सा एडवांस में भी जाते हैं वो लोग भी ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इवन बैलेंस है इसका, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इसको मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूँ, यहाँ आपको आपको दिखेगा इवन बैलेंस, राइट। और लिखा है लॉन्ग साइज, ये इवन बैलेंस लिखा हुआ है, उसके बाद लॉन्ग साइज लिखा हुआ है, डेवलप बाय योनेक्स जापान, राइट। और इस तरफ लिखा है टिटेनियम मेश, उसके बाद शॉकलेस वेट बैलेंस सिस्टम, उसके बाद फुल कार्बन ग्राफाइट शाफ्ट, यहाँ पर लिखा है मेड इन ताइवान, ओके। तो ये मेड इन ताइवान है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं है ये योनेक्स का। यहाँ पर उसका शाफ्ट के बाद यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद ये कैप पर भी एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। हैंडल पर
पूरा डिटेल लिखा हुआ है, उसका लोगो भी है यहाँ पर होलोग्राम, ठीक है। तो दिस इज लॉन्ग शाफ्ट, मसल पावर लिखा है, ठीक है। शॉकलेस यहाँ पे लिखा है, शॉकलेस वेट बैलेंस सिस्टम, यहाँ पर आइसोमेट्रिक लिखा हुआ है। बहुत ही बढ़िया रैकेट है, चाबुक जैसा चलता है, ठीक है। तो इससे काफ़ी बहुत ही इवन, एकदम वाइब्रेशन कोई भी नहीं है, देखिए स्मूथली घूमता है, इतना भी ज़ोर से घुमाओ स्मूथली घूमता है एकदम, ठीक है। ये उसका कवर है, मसल पावर लिखा है सिर्फ कवर पे, पैडेड कवर है, यहाँ पे पैड है, हल्का सा पैडिंग है, ठीक है। इनके हर कवर पर सिर्फ मसल पावर लिखा है, मुझे लगता है मसल पावर का जो सीरीज़ है वो सबके लिए सेम कवर यूज़ करते हैं, चाहे वो 33 हो या 29 हो, जो भी है वो एक ही, यहाँ तक कि इसका जो कवर के ऊपर जो स्टिकर है वो स्टिकर पर भी उन्होंने सिर्फ योनिक्स मसल पावर 29 बैडमिंटन रैकेट विथ फ्री फुल कवर G4 85 to 89.9 grams 28 LVS लिखा हुआ है। ये देखिए, राइट। तो ये जो 85 to 89.9 grams से ये जो स्पेसिफिकेशन है, ये मसल पावर 29 का स्पेसिफिकेशन है, ये मसल पावर 29 लाइट है। तो मेरा अंदाज़ा सही है कि इन लोगों का जो मसल पावर का जो बैग है वो सारे मसल पावर सीरीज़ के लिए सेम ही यूज़ करते शायद ये लोग, ठीक है। इसके ऊपर बार कोडिंग लगा हुआ है, काफ़ी बेहतरीन रैकेट है, इससे आप टूर्नामेंट्स भी खेल सकते हैं। बेस्ट स्ट्रिंग टेंशन 22, बेस्ट यू कैन राइज इट टू 24 मैक्स, ओके। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया, कुछ सवाल रहा तो पूछिए, थैंक यू सो मच।